नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर है। दोस्तों ये स्पार्क प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों मैं इसको पहले ऐसा ऑन करता हूँ, देखो स्पार्क, देखो इसका स्पार्क आ रहा है और स्मेल भी आ रहा है और स्पीड भी थोड़ा कम हो गया। मोटर पूरा स्पीड भी नहीं है, आर्मेचर गया तो स्पीड भी थोड़ा कम होएगा और स्पार्क भी आएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका आर्मेचर चेंज करने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकती। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहना। दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर का आर्मेचर किस किस रीज़न से जाता है समझो। दोस्तों आप जार में लोड फुल डाले तो भी ओवरलोड होके आर्मेचर चल जाता, और किधर तो भी आप आर्मेचर लोकल एल्यूमिनियम वाइंडिंग का डाले तो भी वो भी चले जाता, और वोल्टेज हेवी आको भी चले जाता, और आप कंटिन्यू चार पाँच घंटे कंटिन्यू रन करें तो भी आर्मेचर भी शॉर्ट हो सकता है लोकल मिक्सी का। उसके लिए जार में थोड़ा लोड कम कम डाल के यूज़ करो, ठीक है। और आप आर्मेचर डालाने के टाइम पर 50 रुपये का सूरत मत देखो, अच्छा डालाओ कॉपर वाइंडिंग का तो दिन अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आर्मेचर चेंज करने जा रहा हूँ। दोस्तों पहले आप पूरी बॉडी ओपन कर लो। दोस्तों ये कनेक्शन मत निकालो, इधर पीछे से स्क्रू ओप नेट रहता, नेट ओपन करे तो ये पूरा सेट बाहर आ जाएगा। पूरी मोटर मैं बाहर निकाल के आपको वीडियो बनाता हूँ। वो बॉडी ओपन करने के लिए इधर चार स्क्रू रहती हैं, ये चार स्क्रू ओपन कर लो। दोस्तों सबसे पहले कार्बन निकाल लो, कार्बन निकाल के इधर चार स्क्रू ही देखो, ये चार स्क्रू ओपन कर लो। मैं ओपन करके दिखलाता हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड चार स्क्रू ओपन कर लो। दोस्तों पहले एक पेन से इधर मार्क डाल लो, आपको फिटिंग करने के टाइम पे ईजी होएगा। इधर पेन से मार्क डाल के चार स्क्रू ओपन कर लो, इधर चार स्क्रू ओपन कर लो, वहाँ से कार्बन निकाल लो। मैं निकाल के दिखलाता हूँ। स्क्रू ओपन करने के बाद इसको ऐसा मारो, बॉडी बाहर आ जाएगी, देखो दोस्तों। दोस्तों ये ही है इसका आर्मेचर। दोस्तों देखो ये पूरा इधर शॉर्ट हो गया, जल गया है, देखो इधर शॉर्ट हो गया है। इसको रेडी करने नहीं आएगा, इसको नया डालना पड़ेगा। दोस्तों इसका साइज है 45 का है, 250 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। कॉपर का डालो, एल्यूमिनियम का मत डालो, कॉपर का डालो। दोस्तों ये फिटिंग कैसे करना बोला है तो वो भी बताता हूँ। ये वाचर मत निकालो, ऐसा ही रहने, नया फिट करने के टाइम पर ये वाचर उसको डालना पड़ेगा। ये आर्मेचर है दोस्तों, ये फील्ड कॉइल है। अब इसको आर्मेचर बिठाने के लिए मैं दिखलाता हूँ। दोस्तों इसका नया आर्मेचर यही है। दोस्तों ये पुराना आर्मेचर है। दोस्तों मैं इसको 45 साइज का आर्मेचर डालने वाला हूँ। दोस्तों इसको डालने के लिए पहले आर्मेचर ले लेना, इसके अंदर एक छोटा सा बाल्स रखो, बाल्स रख के इसके नीचे का बॉडी ले लो, ये ले लेंगे। इधर एडजस्टमेंट है, देखो इधर थोड़ा बाहर निकालो एडजस्टमेंट करके। दोस्तों अच्छे से इधर बिठा लो, इधर देखो, इधर ये पट्टी के दो धागे ऊपर रहना कंपरेटर होके बाद। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर बिठाई के बाद दोस्तों ये फील्ड कॉइल का इधर पोजीशन दिख रहा है ना, इस पोजीशन को इधर अंदर दो लाका ही देखो, इधर दो लाका, इधर दो लाका, इधर दो लाका, उसको अपोजिट बैठना पड़ेगा। नहीं चाहे तो आप मार्क डाल लेना, वो मार्क को कंटिन्यू फिट कर डालो। दोस्तों अच्छे से आर्मेचर फिट करो, फिट करके ऐसा एक्शन करके देखो, ऐसा एक्शन, एक धागा एक्शन होना चाहिए। और इधर कॉम्परेटर देखो, ये कार्बन के एक धागा दो धागे ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो कॉम्परेटर को कार्बन मार के चले जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कार्बन ब्रश फिट कर लो। Thank you.
इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन फिट कर लो। दोस्तों फिटिंग होने के बाद इधर फिरा के देखो, फ्री घूमना चाहिए, फ्री नहीं घूमे तो थोड़ा इधर रवंड मारो, फ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर डालने का यही तरीका है। दोस्तों आप ये मोटर मिक्सी को फिट करके आपको चेकिंग करके दिखलाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मिक्सी को मोटर फिट कर चुका हूँ, अब चेकिंग करता हूँ। दोस्तों देखो, देखो दोस्तों स्पार्क नहीं आ रहा है, वो मीडियम सा स्पार्क आता है, वो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल इतना ही आता है वो, उसको क्या संबंध हम नहीं, मिक्सी काम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो कैसा ये करे वैसा फिट कर, कैसा ओपन करे थे वैसा फिट कर डालो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।